चहती मेले से भी बहुत अधिक क्वालिटी देंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे। अच्छा करने वाले हैं, वो अभी सस्पेंस है। कश्मीर वालों को हर साल इंतजार रहता ही है कि भाई चहती लगेगी ये दिल्ली चार बंडार रुपया करके। वो 10 दिन आनंद उठा पाते थे, पूरे साल उठा पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा। इस वक्त हम मौजूद है चेती मेला रोड में, जहाँ पर ब्लॉक के सामने बिल्कुल हम मौजूद है। और यहाँ आने की वजह ये है कि जो स्वाद आप 70 सालों से लेते आए हैं दिल्ली चाट भंडार का, वो दिल्ली चाट भंडार अब आपके काशीपुर शहर में जो है 365 दिन आपके लिए खुला हुआ है। आप यहाँ पर आकर स्वाद ले सकते हैं। तो आइए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर डेवलप किया गया है, जहाँ पर झूले भी हैं साथ में बच्चों के एंजॉय करने के लिए, साथ ही साथ अलग अलग तरह की चाट यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ही शानदार एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप कर दिया गया है, जहाँ पर आप जो है कभी भी आकर एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको मेले का इंतजार नहीं करना है, साल में किसी भी दिन जब भी फैमिली के साथ बैठने का मन करे, बच्चों को कहीं घुमाने का मन करे, तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है दिल्ली चाट भंडार पे। यहाँ आके आपको स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपके बच्चों की एंजॉयमेंट के भी पूरी की पूरी यहाँ पर जो है इंतजाम करे हुए हैं। जो दिलीप भैया है वो यहाँ पर काशीपुर की जनता के लिए उपहार ले आए हैं, तो उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने सोचा कि काशीपुर की जनता को ये उपहार जो है। आपने सोचा कि जो काशीपुर की जनता 70 साल से आप स्वाद देते आए, आप परमानेंटली देते? मुझे जो ना 40 साल से लोग बाग ये कहते रहे थे कि भाई आप लोग यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बहुत अच्छा काम चलेगा, और मुझे लगा कि भाई यहाँ पे जो है हमारी जरूरत है। और स्वाद के लिए जो है हम अपने नाम के लिए पहले चैती मेला करते थे, और चैती मेले में कुछ दिक्कतें आई तो उसकी वजह से हमने ये परमानेंट काम अपना चालू कर दिया। और इसमें जो है क्या नाम है, हम चहती मेले से भी बहुत अधिक क्वालिटी देंगे और अच्छी क्वालिटी देंगे, क्योंकि वो तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, और ये हम जो है क्या नाम है इसको भी जो है बहुत अच्छी तरह जो है इसको करेंगे। यहाँ पे हम 70 साल से आ रहे हैं, पहले मेरे पिताजी आते थे, फिर मैं आ रहा हूँ, और अब जो है मेरा बेटा भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी आ चुकी। आप 70 सालों से जो है काशीपुर की जनता को बेहतरीन स्वाद देते आए हैं, तो अब जो है काशीपुर की जनता के लिए और क्या कुछ खास यहाँ पर है? और कुछ खास बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो अभी सस्पेंस है, और वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है बहुत अच्छी चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि 20-30-50 किलोमीटर तक नहीं है वो। भैया समय क्या रहेगा इसका जो काशीपुर की जनता? यही है कि 2 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप दोपहर 2 बजे से जो है रात्रि 11 बजे तक किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चों का भी पूरा मन लगेगा और आपको एक अच्छी क्वालिटी में बेहतरीन स्वाद भी यहाँ पर जो है मिल सकेगा। तो मैं आपको आगे चल के दिखाना चाहूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कूपन सिस्टम है, आपको यहाँ पर आराम से सीटिंग जो है पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। कन्वीनियंटली आप यहाँ पर एंजॉय कर सकेंगे, खाना पीना खा सकेंगे, और आपके बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए आपको ले चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। जैसे कि आप देख सकते हैं शुरुआत में ही टिक्की का काउंटर लगा हुआ है, पाव रखे हुए हैं, यहाँ पर पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी बन रही है, बहुत ही लजीज, और बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पर डोसा का काउंटर लगा हुआ है, वड़ा रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कूपन काउंटर है, उसके बाद आप देख सकते हैं चाप, बहुत सारी वैरायटीज, मतलब कितनी सारी वैरायटीज एक ही जगह पर अवेलेबल। और अगर चाट का जिक्र हो, गोलगप्पे की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी इधर कैमरा घुमाए, आपको वहां पर दिख जाएगा गोलगप्पा का काउंटर। और वही जब बात हो रही है कि आपके बच्चे एंजॉय कर पाएंगे, तो ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगी इधर आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर बच्चों के लिए पूरा इंतजाम किया गया है कि बच्चे एंजॉय कर पाए। यहाँ पर जो है झूले वगैरह लगे हुए हैं पूरी तरह से, कोई भी बोर नहीं हो सकता। अपनी फैमिली के साथ अगर आप आएंगे तो सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर दिल्ली चाट भंडार में प्रिंस भैया दिख गए, सौरभ भैया दिख गए, तो उनसे जानेंगे कि आखिर कैसा लगा उनको यहाँ का स्वाद, और उनके हाथ में पैकेजेस भी हैं जो उन्होंने पैक कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिल्ली चाट भंडार का तो काशीपुर वालों को हर साल इंतजार रहता ही है कि भाई चैती लगेगी ये दिल्ली चाट भंडार पे आकर के व्यंजनों का आनंद लेंगे। मुझे तो आज ही प्रिंस भाई ने बताया कि भैया वहाँ इस तरीके से दिल्ली चाट वालों ने लगाया है अपना, तो आज चलते हैं वहाँ पर।
तो अब चूंकि प्रिंस भाई तो नवरात्रों में बाहर का खाते नहीं है, तो अभी हमने स्वाद तो कुछ लिया नहीं है, लेकिन यकीनन बढ़िया ही होगा। हमने घर के लिए पैक कराया, बाकी घर वालों का जैसा रिव्यू होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि बढ़िया ही रहता है सर। तो ये हमारे साथ सुमित भैया थे, अब हम बात करेंगे प्रिंस भैया से और जानेंगे कि कैसा लगा उनको यहाँ पर इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। दिल्ली चाट भंडार से तो पूरे काशीपुर वासी वाकिफ नहीं, अब ये कह रहे हैं कि पूरे साल ही अब हमको दिल्ली चाट भंडार का जो इनका प्रोडक्ट है उसका लुत्फ उठाने का मौका मिले। दिल्ली वालों को काशीपुर पसंद आ रहा है, तो हमें भी दिल्ली वालों को पसंद करना चाहिए। स्वाद अच्छा है, लोग आते हैं। खेती मेले की जगह वो 10 दिन आनंद उठा पाते थे, अब पूरे साल उठा पाएंगे। यहाँ पर इन सारे झूलों के साथ साथ ट्रैम्पोलिन भी अवेलेबल है, वहीं कई सारे झूले हैं, और साथ ही साथ जैसा कि दिलीप भैया ने बोला कि अगले 6 महीने में एक बहुत अच्छा सरप्राइज, एक बहुत अच्छा जो गिफ्ट है वो काशीपुर की जनता को इस दिल्ली चाट भंडार पे और ज्यादा मिलने वाला है। तो उसके लिए भी आप सुरागिला न्यूज चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेशन होगा आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे।